मलिका मेरा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आमिर हसन। लोग तो सुबह सुबह का टाइम है, उठ चुके हैं, नाश्ता माश्ता कर लिया है और अभी जो है हम जा रहे हैं गंदम की बिजाई के लिए। आप बोलेंगे पिछली वीडियो में तो दिखाया था गंदम की बिजाई हो गई है, तो नहीं जनाब, आज दूसरी जमीन पर गंदम की बिजाई करनी है और इस कमरे में आवाज़ जो है वो इको लोग में हो रही है। तो बाहर चल के आपके साथ मजीद गपशप करते हैं और बाहर का माहौल दिखाते हैं घर का। तो ये हमारे घर के बाहर का माहौल, आपको लग रहा होगा कि ये सारे जो है वो जंगलात हैं, तो नहीं जनाब, जंगलात नहीं है, इनके पीछे जो है ना लोगों के घर वगैरह बने हुए हैं, इनके पीछे सब जो है ना लोगों के घर वगैरह बने हुए हैं। ये देखें, ये जैसे है इसके पीछे, इन झाड़ियों के पीछे भी घर टाइप के बने हुए कुछ, और इधर माशाल्लाह सामने किसी का बंगला टाइप का कुछ बना हुआ है। तो यहाँ भी काम चल रहा है, माशाल्लाह खूबसूरती चेक करें हम, माशाल्लाह नारियल की खूबसूरती है। और यहाँ से चाचा हमारे आ रहे हैं टहलते हुए सुबह सुबह किसी काम के लिए। तो ये था हमारे घर का व्यू और आपको घर भी दिखा देते हैं दूर से, घर हमारा कैसा है। ये है जी हमारा घर और उसी के साथ ये रोड जा रहा है। तो ये घर की फाइनल लुक देख लें, तो मैं आपको इस रोड का बता रहा था। तो ये रोड दिखने में तो कच्चा है लेकिन यहाँ से गाड़ियों का गुज़र, बल्कि कारोबारी गाड़ियाँ वगैरह भी जो है ना, जो रात को सामान वगैरह लेके गुज़रती हैं, वो भी यहाँ से गुज़रती रहती हैं अक्सर। माशाल्लाह आपको इसकी सड़क का लुक भी दिखा देते हैं कि सड़क कैसी है। तो ये है सड़क, सामने लोग जा रहे हैं, इधर से ये है सामने आबादी है और ये हमारा घर है। घर के पीछे दो दुकानें हैं जो कि बंद हैं। और ये था जी घरों में हमारा घर, हमारे रिश्तेदारों का घर। कैसा लगा आपको ये घर और ये माहौल? थोड़ा जंगल टाइप का है लेकिन दिखने में जंगल है, वैसे आबादी है यहाँ पे माशाल्लाह। इधर से ये हमारा घर है, उसके साथ वो देखें सामने, वो घर है, उसके पीछे और घर हैं, इधर ये घर है, इसके पीछे भी घर हैं। तो माशाल्लाह आबादी अच्छी खासी है, जैसा दिखने में है वैसा है नहीं, हॉरर टाइप का है। रात को नया बंदा कोई यहाँ पर आता है तो ज़रूर डरता है, मैं भी शुरू शुरू में जब आया था तो मुझे भी डर लगता था। और सामने ये चीज़ चेक करें, कसम से ये हमारे घर का विजिट जो आपको हमने करा दी है। और अब चलते हैं ज़मीनों की तरफ क्योंकि भाई जो इंतज़ार कर रहे हैं वो कह रहे हैं जल्दी वीडियो बनाओ, उसके बाद चलते हैं। और घर की दूसरी साइड पे ये देखें, ये घर की ये वाली साइड है फ्रंट पे, बैक पे मैंने आपको दिखा दिया वो रोड जा रहा है और उधर दुकानें भी हैं। उसके साथ ये घर है जो कि ताला लगा हुआ है, यहाँ पर पहले आए थे कोई किराएदार थे, अब वो चले गए। तो ये था हमारा घर वाला घर। अगर आपको हमारा घर पसंद आया हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं जमीन वाली साइड पर। ज़मीनों की तरफ जो है हम लोग निकल गए हैं, अब आपसे मिलते हैं डायरेक्ट ज़मीनों पे जाके, वहाँ पे जाके अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और ये हमारी घर वाली सड़क का मॉल है जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाई है, ये सड़क की सूरत हाल है। और ये कोई आम सड़क नहीं है, यहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रक वगैरह गुजरते हैं, मस्जिद वगैरह गुजरते हैं, नवाज शरीफ यहाँ से गुजरता है, हाँ नवाज शरीफ यहाँ से गुजरता है, शहबाज शरीफ यहाँ से गुजरता है, जरदारी भी यहाँ से गुजरता है, बिलावल की एंट्री यहाँ मना है। अरे जरदारी पड़ोसी तो है अपना, जरदारी भाई पड़ोसी है, जरदारी का पीछे यहाँ बंगला है, आता जाता वैसे यहाँ कम है वो। गांव में सुबह सुबह बकरियों के चराए जो अपनी बकरियां लेके निकल गए हैं, ये देखें आप माशाल्लाह खूबसूरत खूबसूरत बकरियां, इनको चराने के लिए बाहर लेकर निकल गए हैं। ये
ये वाला तो आधा डाल। एक एकड़ में डेढ़ कट्टा जाएगा। वो यार है दूसरा। हाँ वो टुकड़ा रह गया था ना। नहीं नहीं यार ये रूट रहा। हाँ सही है ऊपर ये ही चला है। सही बात बच्चा जमीन बहुत जी। वेलकम बैक। अभी आपने देखा कि हम गंदम का बीज वगैरह लेकर आ गए हैं और यहाँ पे बीज को मिक्स किया जा रहा है खाद के अंदर और एक एकड़ में डेढ़ गट्टा गंदम का जाएगा कि 60 किलो गंदम वो एक एकड़ में बिजाई की जाएगी। उसमें खाद मिला रहे हैं DNP। तो जो काश्तकार हैं उनको तो समझ लग गई होगी कि मैं कौन सी खाद की बात कर रहा हूँ और उसके अंदर वो मिला के अभी इसको जो है ना एक एकड़ के अंदर डाल दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे एकड़ के लिए भी इसी तरह मिलावट होगी। मिलावट करने के बाद जो है उसका भी एक एकड़ में डाल दिया जाएगा। तो ये है फर्स्ट खुराक गंदम की जो डालनी पड़ती है गंदम के साथ DNP खाद। काश्तकार मेरी बात को समझ गए होंगे। और जो है अभी हमारी ज़मीन में ट्रैक्टर वगैरह चल रहा है। ये देखें सामने ये ट्रैक्टर चल रहा है हमारी यहाँ ज़मीन में। तो यहाँ पे जो बिजाई है वो बाद में करेंगे। अभी ये जो वहाँ पे कट्टे वगैरह खुल रहे हैं गंदम के खाद के वो उस एकड़ में डलेंगे। ये जो यहाँ पे ये पड़ा हुआ है कचरा वगैरह यहाँ पे डलेगी वो गंदम। और एक एकड़ में डेढ़ कट्टा गंदम और डेढ़ एक कट्टा खाद का जाएगा वो मिक्स करके वहाँ डाल देंगे। और ये प्यारा सा व्यू है हमारी ज़मीनों का। सामने घर है उधर भी घर है उधर भी घर है और ये सामने ये ज़मीन हमारी है। ये सारी सामने ट्रैक्टर चल रहा है। इस ज़मीन की भी जो है काम शाम जारी है। इसके बाद ट्रैक्टर जब चल जाएगा उसके बाद इस ज़मीन की बारी है। फिर यहाँ पे खाद डालेंगे यहाँ पे गंदम का बीज बोएंगे यहाँ पे भी फसल की काश्तकारी शुरू करेंगे। और बाकी जो औजार हैं जो रूटर वगैरह हैं वो जो है यहाँ पे रख दिए हैं। बिल्कुल जैसी जो अभी खुरदरी नज़र आ रही है तो ये ब्लेड चलने के बाद ये मिट्टी बिल्कुल जो है ना क्लियर हो जाएगी। एकदम मैदान सीधा हो जाएगा मिट्टी बारीक भी हो जाएगी और उसके बाद खूबसूरत भी लगेगी और काश्तकार भी अच्छी होगी। तो ये दोनों मशीनें इस काम आती हैं। सामने जो है वो हल चल रहे हैं। हल का क्या काम होता है एक ऐसी ज़मीन को जो कि बिल्कुल दबी हुई है उसको इस तरह ये मिट्टी उखाड़ के इस तरह बड़े बड़े गोले बना के फेंक देता है। उसके बाद रोटर चलता है फिर ये हल चलता है ज़मीन प्लेन करने के बाद फिर इसमें बिजाई की जाती है। तो चलते हैं वापसी बीज वाली जगह पे देखते हैं वहाँ पे किस तरह मिक्स हो रहा है आपको भी दिखाते हैं साथ साथ। और मेरा खुद का इतना कोई ख़ास एक्सपीरियंस है नहीं अभी मैं भी देख रहा हूँ कि ये काम किस तरह चलता है आपको भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना बीज और गंदम दोनों मिक्स हो रही है। ये रोड़ियाँ क्यों है इसके अंदर? ये दूसरी ये क्या चीज है?
ये एक एकड़ माल है। हाँ एक एकड़ जो माल है। ये सब गंदम और ये खाद और ये ह्यूमियो एसिड पता नहीं क्या चीज़ है ये, इसको इसके अंदर मिक्स कर दिया है। तो मिक्स करने के बाद जो कंडीशन है वो कुछ ऐसी है, ये देखें हम, ये देखें, कैमरा मेरा फोकस नहीं कर रहा, बाकी आप खुद देख लें। ये देखें ये कंडीशन है इसके मिक्स करने के बाद। उसके बाद चाचा ने आपके सामने वो कट्टे में डाला, कट्टे में डाल के लेकर गए हैं और वो कट्टे के अंदर डालें। कट्टे में क्यों डाल के लेके गए, क्योंकि वो कट्टे से बाद में इतनी इतनी निकालेंगे और इस तरह गंदम को ज़मीन के अंदर सर्व करेंगे, यानी कि बीज बो देंगे। और इसी तरह जब ये कट्टा ख़त्म हो जाएगा फिर ये आएंगे, दूसरा कट्टा भरेंगे, फिर लेकर जाएंगे, फिर वहाँ से ये डालते हुए आएंगे यहाँ तक, फिर दूसरा कट्टा भर के लेके जाएंगे, फिर वहाँ से डालते हुए आएंगे यहाँ तक। तो इसी तरह ये कट्टे भरते रहेंगे और एकड़ में डालते रहेंगे। तो ये पूरा जो एक एकड़ का माल है तो ये चाचा एक एकड़ में पूरा करेंगे, डालेंगे अपने तरीके से। और उसको एक एकड़ में बिजाई करने के बाद फिर दूसरे एकड़ का माल जो है वो तैयार करेंगे, उसकी भी बिजाई करेंगे, साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे। और हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके बताइएगा कि काश्तकारी में हमारी कोई कमी है या कोई चीज़ गलत हो रही है तो बताना, अगर सही चल रही है तो भी कमेंट में लाजमी बताना। वेलकम बैक व्यूअर, भाई जो है ये गंदम मिक्स करके देने के बाद एक एकड़ का जो माल था उसको मिक्स करके दे दिया और अब वो भाई जो है वो चले गए हैं दूसरा माल उठाने के लिए, गंदम बीज वगैरह और ये खाद वगैरह बाकी जो जो अद्वियात हैं वो सारी उठाने के लिए गए हैं, क्योंकि ये कम पड़ रही हैं। तो दो एकड़ नहीं, हमारे छः एकड़ और भी है जिसके अंदर हमने गंदम की बिजाई करनी है। तो एक एक करके बाइक पे एक एक दफ़ा जा रहे हैं और तीन तीन चार चार कट्टे एक साथ लेकर आ रहे हैं गंदम के। अभी दो चक्कर में हमारे पास आए हैं कट्टे, ये देखें, एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, एक वो खोल दिया है। इस टाइप के दो कट्टे एक चक्कर में लाए थे, फिर तीसरा लाए थे गंदम के, उसके बाद वो खाद का कट्टा भी लाए थे, ये भी लेकर आए हैं, और एक ये छोटा कट्टा भी लेकर आए। और मैं इन कट्टों के ऊपर बैठ कर आया हूँ क्योंकि जगह थी नहीं। काश्तकारी करना मेरे भाई कोई आसान काम नहीं है, काश्तकारी में जाना बहुत मेहनत लगती है और बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको स्ट्रांग और सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ अपनी केयर भी करनी पड़ती है। और आपको हमने ज़मीन का माहौल दिखा दिया है, बाकी मुझे भी कुछ खास एक्सपीरियंस है नहीं, बस मुझे नया नया शौक़ हुआ है, मैंने कहा चलो जाता हूँ वहाँ पर व्लॉगिंग वगैरह करता हूँ ज़मीनों की, अपनी ज़मीन तो वैसे भी चाहिए, चलो साथ में वीडियो बनाते हैं ताकि हमें कुछ हमारे व्यूवर्स जो हैं काश्तकार वो हमें आइडिया देंगे कि यार ये चीज़ ऐसी नहीं वैसी है, हम भी सीखेंगे इस चीज़ को। और ये बीज जो है तकरीबन काफ़ी मकदार में मेरे हिसाब से दो एकड़ में पूरा हो जाएगा। तो अभी जो मिक्स किया आपको दिखाया वो एक एकड़ का है, आपको फिर दिखा देता हूँ। ये एक एकड़ का माल है, ये एक एकड़ में ही डलेगा। और वो चाचा का काम है जो चाचा भर के लेके गए, वो किस तरह इसको सर्व करते हैं इसे एक एकड़ में, एक एकड़ नहीं, एक एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, दो एकड़ है, तो समझ लो आधे आधे एकड़ में उनको डालनी है। बीच में वो जो सामने आपको एक नल नज़र आ रहा है, नल का जो है ना ये एक एकड़ है और नल के उसके पार भी एक एकड़ है। तो ये दो एकड़ का माल जो है ना ये सारा पड़ा हुआ है, ये जो है ये जो ये मिक्स हुआ हुआ है ये एक एकड़ का माल है। और ये सूरत हाल है, और ये स्टार्टिंग है हमारी गंदम की माशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह जब दूसरा चक्कर लगेगा कराची से कारो तो फिर आपको गंदम की पोजीशन भी दिखाएंगे। कल जो हमने आपको पहले वाले व्लॉग में गंदम की कंडीशन दिखाई वो तो माशा निकल गई है, उसकी बिजाई भी हम नहीं थे, तो वो भाई ने जो है अकेले ही उसका काम वाम किया था। तो इस बिजाई पे हम लोग मौजूद हैं, तो इसलिए आपको सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, एक्टिविटी क्या क्या होती हैं। और चाचा जो है सामने बिजाई कर रहे हैं, हम लोग भी चाचा के पास चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह बिजाई हो रही है और आपको भी साथ में दिखाते हैं। तो यहाँ पे ट्रैक्टर का काम प्रॉपर मुकम्मल हो चुका है, जो काम वहाँ पे कर रहे हैं वो काम पहले वो यहाँ पे करके जा चुके हैं। और आपको चल के दिखाते हैं चाचा के पास कि चाचा किस तरह बीज की जो है ना छटाई कर रहे हैं और किस तरह बीज बो रहे हैं यहाँ पे। इसका बीज जो है
हाथ से एक एक दाना नहीं लगता, इसका जो है ना गट्टे में डाला जाता है जैसे कि आपने देखा होगा, उसके बाद मुट्ठी भर के इस तरह फेंका जाता है ज़मीन के अंदर और एक मकदार में फेंका जाता है। और सामने जो है हमारे माशाल्लाह गायें भैंसें बैल वगैरह सुबह ही सुबह गाँव के बच्चे ले कर निकल गए चराने के लिए, उनका पेट भरने के लिए, उनका नाश्ता करवाने के लिए। तो जब इनका पेट भर जाएगा ये फिर अपने घर लेके जाएंगे, इनका दूध वूध निकालेंगे, फिर सुकून से ही अपने घर पे चले जाएंगे, बांध देंगे जानवरों को, ख़ुद भी खाना वाना जाकर खाएंगे। तो ये है जी अंदरून सिंध की लाइफ, यहाँ का लाइफस्टाइल, यहाँ के लोगों का रहन सहन तो आपको दिखा नहीं पाए, ज़मीन काश्तकारी वो हमने आपको दिखा दी है। और आप देख रहे होंगे कि ये पीछे कचरा क्या है, तो साहब ये कचरा नहीं है, ये जानवर खाते हैं अक्सर, असल में हरियाली में इसको कुतर के मिक्स करके डाला जाता है, तो ये भी जानवर खाते हैं। तो ये भी मेरे ख्याल में किसी को दे देंगे भाई। और ये जो है, और आप सोच रहे होंगे कि ये कचरा जो पड़ा हुआ है ये ढेर है किस चीज़ का, तो जनाब आपके करीब चल के ये दिखाते हैं कि ये कचरा नहीं है, ये है जो आपका चावल की गंदम होती है, चावल का बीज, चावल को निकालने के बाद नीचे से जो सारा उसका मतलब पौधा बचता है, तो ये वो है। और अभी ये सूखा हुआ है, ये देखें, ये देखें, एक एक आप देखें, ये सारा चावल का पौधा था, तो इसके ऊपर से ये देखें, ये चावल यहाँ से निकाल लिया गया है और ये बाकी जो है इसका पौधा यहाँ पे सारे जमा कर दिए गए हैं। ये जो है जानवर इसको खाते हैं शौक से, कुतर में डाल के इसको जानवरों को सर्व किया जाता है, जानवर ये भी खाते हैं, तो ये भी उठवा देंगे। जब तक ये नहीं उठता तो यहाँ पर कोई काम नहीं हो सकता। तो एक किस्म का ये हमारे लिए यहाँ पे फजूल है, ज़मीन घेर के पड़ा हुआ है, इसको बहुत जल्द उठवा देंगे और उसके बाद यहाँ पर भी गंदम की बिजाई कर देंगे। और ये चावल का ही पौधा है और हमारे नहीं, और भी लोगों का पड़ा हुआ है, ये हमारे साथ ज़मीन लोगों की उनका भी ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है ना जानवर वाले लोगों को आई थिंक बेचते हैं या फिर फ्री में देते हैं, कुछ मुझे पता नहीं है ख़ास। तो ये भी जो है ना उठवाएंगे, और दो दो पड़े हैं हमारी ज़मीन में, एक ये पड़ा हुआ छोटा सा और एक बड़ा पहाड़ ये पड़ा हुआ। और चाचा जो है सामने ज़मीन के अंदर अपना काम जारी वसाई रखे हुए, अपनी मेहनत जारी है उनकी। तो माशाल्लाह चाचा की मेहनत और हमारी मेहनत इंशाल्लाह रंग लाएगी, अच्छी गंदम की फसल होगी इंशाल्लाह। जो कि दुकानदार ने हमें मशवरा दिया है कि आप हमारे हिसाब से बीज लगाओ, हमारे हिसाब से ज़मीन को अद्वियात दो, तो तकरीबन एक एकड़ में आपका 35 से 40 मन आएगा, मतलब फाइनल रिज़ल्ट जो अब आपकी गंदम कट जाएगी तो इतनी गंदम निकलेगी एक एकड़ से 35 से 40 मन। हमने कहा भाई ठीक है, 2 एकड़ हम आपके कहने पे लगा देते हैं, देखते हैं उसका फाइनल रिज़ल्ट क्या आता है। उसके कहने पे ये 2 एकड़ में लग रहे हैं, बाकी 6 एकड़ जो है वो हम अपने मशवरे से, अपने दोस्तों के मशवरे से और भाई का जो बंदा है जो हिस्सेदार है ज़मीन का, उससे मशवरा करके 6 एकड़ हम अपनी मर्ज़ी से लगाएंगे। उसके बाद जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो हम आपको बता देंगे कि फ़ाइनल रिज़ल्ट किसका अच्छा है, दुकानदार का अच्छा है जिसने हमें अपने हिसाब से बीज वगैरह खाद वगैरह दिए, या हमारे अपने 6 एकड़ लगाए अगर रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा है, एंड में वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। कोशिश करेंगे कराची से घर आएँ स्पेशल वीडियो बनाने के लिए कि रिज़ल्ट कौन सी गंदम का ज़्यादा अच्छा है, कौन सा बीज ज़्यादा अच्छा था, कौन सी अद्वियात ज़्यादा अच्छी थी, ताकि जो नए काश्तकार हैं या जो काश्तकारी करते हैं वो भी अपनी राय देंगे हमें। और अगर हमारी ज़मीन अच्छी निकलेगी तो हम उनको भी मशवरा देंगे कि आप भी ये बीज इस्तेमाल करें। अब ये कंपटीशन चल रहा है 2 जगहों का, देखते हैं अल्लाह पाक किस में बरकत ज़्यादा डालते हैं। हमारी तो दुआ है दोनों ज़मीनें ही अच्छी निकलें, दोनों की काश्तकारी अच्छी हो, दोनों में अच्छा फल मिले। तो चाचा ने एक कट्टा जो है वो ख़त्म कर दिया है, कट्टे से मुराद जो वो कंधे पर लेके जा रहे हैं, वो एक खुराक जो उन्होंने मुकम्मल कर दी है, जो भर के लेके जा रहे हैं वो एक उन्होंने सर्व कर दिया ज़मीन के अंदर। अब वो आए हैं, दूसरा कट्टा भरा है, मैंने उनको उठवा दिया और वो कंधे पे लेकर जा रहे हैं, दूसरा कट्टा भी सर्व करते हैं ज़मीन के अंदर, दिखाते हैं आपको दूसरा कट्टा लेकर जा रहे हैं। ये देखें हम उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, दूसरा कट्टा भी जो है ना ज़मीन के अंदर वो सर्व कर देंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह एक 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 कट्टा करके इनका, इनके लिए कट्टा ये है और हमारे कट्टे वो हैं जो आपने देखा है, और हमारे कट्टे 1.5 कट्टा एक एकड़ में जाएगा और 1.5 कट्टा ये अपने कट्टों में भर भर के जो इनके कंधे पे इसमें सर्व करेंगे। तो ये है सूरत हाल, एक एक करके कट्टे ये डालते रहेंगे, भरते रहेंगे, डालते रहेंगे, और इस तरह जो है काश्तकारी हमारी मुकम्मल हो जाएगी। और आपको भी साथ साथ दिखाते रहेंगे दिखाने वाली चीज़ें जो होंगी। और हमारे चैनल को मैं फिर कह रहा हूँ, अगर चैनल हमारा पसंद आए, वीडियो पसंद आए, ये सिंपल सी, ये सादा सा व्लॉग, ये सिंधी ज़मीनों का व्लॉग, तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना, कमेंट में बताना कि हमारी काश्तकारी कैसी लगी आपको,
उम्मीद है काफ़ी लोग हंस रहे होंगे कि यार ये क्या है, कौन सा बंदा उठ के आ गया काश्तकारी करने। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मेरा कोई इतना ख़ास एक्सपीरियंस है नहीं, भाई का एक्सपीरियंस ज़्यादा है। सारे बीज, सारी अद्वियात, सारी स्प्रे, सारी खाद, जो कुछ भी है वही ले रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। मैं बस उनके साथ साथ वीडियो कैरी कर रहा हूँ ताकि यार मुझे भी इन चीज़ों का पता चले, और साथ में मैं YouTube पे भी अपनी वीडियो अपलोड करूँ, व्लॉग भी बना सकूँ, साथ में थोड़ी बहुत ये चीज़ें भी सीख सकूँ। चाचा ने जाना अपना काम शुरू कर दिया है। चाचा का अपनी बिजाई उन्होंने जारी उसाई रखी हुई है, अपनी मेहनत जारी है इनकी, और साथ में हमारी भी मेहनत जारी है, क्योंकि हमारी मेहनत यही है जो आप देख रहे हैं, वीडियो बनाना, व्लॉग बनाना, और तो हमारा कोई काम है नहीं। या फिर यही काम है भाई के साथ बाइक पे आना जाना, जो भी काम है उनके साथ घूमना फिरना, माहौल को इंजॉय करना, क्योंकि कराची में इतना खुला माहौल मिलता नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो ये है कि यहाँ पे आप आराम से खुली सांस ले सकते हैं, खुला माहौल है, पुरसकून हवा है, ठंडा माहौल है, ठंड भी यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए मैंने जैकेट भी पहनी हुई है। तो अब तो धूप निकल आई है, ठंड थोड़ी कम है, तो जैकेट की जिप वगैरह भी खोल देते हैं। तो जनाब यहाँ का माहौल मुझे बहुत पसंद आया, माहौल ग्रीनरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, खुली हवा चलती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, और गर्मी भी यहाँ पे गर्मियों में बहुत टाइट पड़ती है, क्योंकि गर्मियों में भी मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, गर्मियों में यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सर्दियों में ठंड भी पड़ रही है, लेकिन इस दफ़ा ठंड को इतनी ख़ास है नहीं। और मैं आपको एक और ज़रूरी बात बता दूँ, जितनी ज़्यादा ठंड पड़ेगी उतनी ज़्यादा गंदम की फसल के लिए अच्छी होती है, क्योंकि ठंड पड़ने से दाना जो है फटता है और पौधा जल्दी जड़ें उसके नीचे जाती हैं और जल्दी पौधा ऊपर निकलता है। तो जितनी ठंड पड़ती है गंदम के लिए वो उतना अच्छा है। इस वक्त सिंध में जो मौसम है वो इतना कुछ ख़ास ठंडा है नहीं, सुबह सुबह ठंड ज़्यादा होती है या फिर रात को ठंड पड़ती है। तो मतलब ये आपका 8 बजे तक कोई सुबह 8 बजे के बाद जो है ना ठंड कुछ ख़ास नहीं होती, क्योंकि धूप वगैरह निकल जाती है, तो धूप निकलती है तो फिर वही हल्की हल्की ठंडी हवाएँ, मतलब हमारे लिए तो इन्जॉय वाला मौसम होता है, लेकिन काश्तकारी के लिए वो इतना ख़ास मौसम नहीं है। लेकिन फिर भी आप दुआ करना कि हमारी ये जो गंदम की फसल है ये बहुत अच्छी कैरी हो जाए, कवर हो जाए, और हमें इसका अच्छा फल मिले, क्योंकि भाई हमारे बहुत मेहनत करते हैं, और साथ में ये चाचा भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और भी जितने भी इसमें लोग हैं ट्रैक्टर चलाने वाले सब बहुत मेहनत करते हैं। तो हम चाहते हैं सबकी मेहनत का सिला जो है ना हमें अल्लाह पाक दे, और अल्लाह पाक से उम्मीद भी है कि हमें इसका अच्छा सिला देंगे। साथ में जानवर अपना चारा कैरी कर रहे हैं, ये देखें ये चरावा जो है, इनको बच्चा जो है, बच्चा इनको गायों को यहाँ पे चरा रहा है। तो खुद ही गायें जो है ना ज़मीन से घास को अपने मुंह से काटती हैं और खुद ही खाती हैं, और ये तकरीबन सुबह से लेके निकले हैं, और भाई भी सामने हमारे आ रहे हैं बाइक के ऊपर, वो देखे भाई भी आ चुके हैं और दूसरा कट्टा भी तल चुका है। तो ये रहे चाचा और ये अपना कट्टा, ये देखें इस तरह भी जाई होती है ज़मीन की, ये देख रहे हैं, ये देखें, ये देखें इस तरह भी जाई होती है ज़मीन की, और ये चाचा जो है बीज को सर्व कर रहे हैं ज़मीन के अंदर, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़ के खुद जो अपने हाथों से ये बोरियां खोलेंगे और चटाई पे डाल के मिक्स करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ किसी पत्थर के या किसी मिट्टी के पत्थर के सरिए किसी बोरी वोरी पर मोबाइल रख के आपको दिखाऊँ कि आपका भाई किस तरह मेहनत करता है, किस तरह कट्टे खोल के मिक्स करता है। तो करते हैं कोई जुगाड़ और दिखाते हैं आपको कि इसको मिक्स करने का तरीका क्या है। तो आपके भाई ने जुगाड़ कर दिया, अब इंशाल्लाह वीडियो में कोशिश करूँगा कि प्रॉपर बनाऊँ, अगर रिजल्ट अच्छा ना आए तो समझ जाना कि ये जुगाड़ मेरी कामयाब नहीं हुई।
माशाल्लाह आपके भाई की जुगाड़ जो है वो कामयाब हो गई है, और अब ये माजरत के साथ मुझे मोबाइल की स्क्रीन को ऑफ़ करना पड़ेगा, वीडियो को रोकना पड़ेगा, क्योंकि जिस कट्टे के ऊपर, जिस थैली के ऊपर मोबाइल पड़ा हुआ है उसको भी इसमें कल्टी करना है, तो उसको इसमें कल्टी करना है, इसलिए मुझे जो मैंने डाला है वो तो आपने देख लिया है, और सामने बोरी पड़ी हुई है जिसके ऊपर आपने भाई, आपके भाई ने जुगाड़ की थी। जुगाड़ देखें कैसे करी है, ये देखें, कच्ची मिट्टी के पत्थर उठा के रखे हैं यहाँ पे, ये बोरी, इसके ऊपर मोबाइल रखा हुआ था यहाँ पे, और सामने ही आपको मैं नज़र आ रहा हूँ काम करता हुआ। तो ये थी आपके भाई की जुगाड़, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो खाद गंदम मिक्स करने के बाद अभी हमारे हाथ जो हैं वो हो चुके हैं बहुत ज़्यादा गंदे, और हाथ देख लें ये कंडीशन हो जाती है काम करने के बाद। तो यहाँ पे अपने धोते हैं हाथ, हाथ धो के फिर चलते हैं अपनी वापसी जगह पे, फिर चाचा के साथ जाना काम करवाना पड़ेगा, भाई चले गए अभी। आपके भाई ने एक और जुगाड़ करके, मैंने कहा ये चीज़ वीवरों के साथ जो है ना शेयर करूँ कि नल को कैसे चलाते हैं, कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, इसके पानी को कैसे हाथ में धोते हैं। तो इस तरह एक हाथ से नल चलाया जाता है, दूसरा हाथ धोते हैं, इस तरह हाथ वॉश करने के बाद अगर पानी पीना हो तो यहाँ देसी तरीका पानी पीने का ये है कि एक हाथ से नल चलाओ और एक हाथ में पानी लेकर पियो, क्योंकि यहाँ पे कोई बर्तन वर्तन होता नहीं है, तो यहाँ का ये है देसी तरीका, आपको देसी तरीके में पानी पीकर दिखाते हैं। देखें देखा आपने हमारा देसी नल और देसी तरीका पानी पीने का, देसी तरीका हाथ मुंह धोने का। आप भी सोच रहे होंगे कि कैसा पागल बंदा ये एक एक चीज़ दिखा रहा है, बच्चों वाली चीज़ें, तो जनाब ये बच्चों वाली चीज़ें नहीं है। जिन लोगों को इस चीज़ का नहीं पता, जो शहर के लोग हैं वो लोग ये चीज़ देख के ज़रूर इंटरटेन हो रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, और उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी, अजीब भी लग रही होगी। तो ये है देसी माहौल, और इस तरह जो है हम लोग यहाँ पर आके पानी वानी पीते हैं और इन्जॉय करते हैं। वेलकम बैक जी। तो हाथ मुंह धोने के बाद, फ्री होने के बाद आ गए हम वापसी अपनी बीच वाली जगह पे, और यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता जरूर कि बीज हमारा डलने के बाद, और ट्रैक्टर के पीछे एक मशीन लगा दी गई है जो कि बीज डलने के बाद उसको चलाया जाता है ताकि बीज के ऊपर मिट्टी आ जाए और बीज की अच्छी तरह ग्रूमिंग हो जाए, ग्रो बन जाए। तो ये देखें सामने ट्रैक्टर लगा दिया भाई ने, पीछे मशीन भी लगा कर रहे हैं, हमारा बीज खा रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं ये अद्वियात खाद वगैरह ना खा लें, क्योंकि वो बहुत जहरीली होती है और इन्होंने खा लिया बीमार भी पड़ सकते हैं और इनकी जान भी जा सकती है। वेलकम बैक वीवर, अभी हम बैठ चुके हैं ट्रैक्टर के ऊपर, अब आपको ट्रैक्टर के शेयर कराते हैं। ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया, भाई ने गियर में लगा दिए, हमने कहा चलो आपको ट्रैक्टर का भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस करवाएं कि ट्रैक्टर Thank you.
खुराक उठा रही है परिंदे, अंदर से चावल वगैरह निकलते हैं तो ये उसको इस्तेमाल करते हैं, खाते पीते हैं, अपना पेट भरते हैं। पहले चाचा एक थे बिजाई वाले, अब दूसरे चाचा भी आ गए, वो भी बीज की बिजाई कर रहे हैं और हम उनको बीज मिक्स करके दे रहे हैं ताकि फटाफट हमारा काम हो जाए आज के दिन में। हालत काम कर करके हालत जो है बहुत बुरी हो गई है, और अभी आपको दिखाते हैं कि बीज हमने जो खुद अपने हाथों से मिक्स करा है वो दिखाते हैं, बाकी कितना काम पड़ा है वो भी दिखाते हैं। और ये वाले एकड़ हैं जिनका अभी काम बाकी है, इनके अंदर भी बीज जो है छिटाई होगा। और ये एकड़ हैं, ये इन एकड़ों के जो है बोरे परे में जो इनके अंदर मिक्स करके हमें डालने हैं। ये वाली साइड अब मुकम्मल हो जाएगी, जब ये वाला बीज इसमें जाएगा तो ये पूरा एरिया मुकम्मल हो जाएगा, चार का चार एकड़। फिर ये वाला चार एकड़ रह जाएगा, इसमें भी ये वाला बीज जलेगा और ये भी मुकम्मल हो जाएगा। पांच बोरियां जो हैं ये बीज की, पाँच छः बोरियाँ जो हैं बीज की हैं और पाँच बोरियाँ जो हैं ये खाद की हैं, तो ये जो इन चार एकड़ों में जाएंगी। और ये वो बीज है जो हमने अपने हाथों से अभी मिक्स किया है, और हाथों की हालत देख लें आप, क्या हालत हो रही है ये देखें। तो ये सारी मेहनत है, दुआ करना अल्लाह पाक हमें इस मेहनत का सिला दे और अच्छी रोज़ी रोटी अता करे इसमें। और दुआओं की तवक्को है आपसे, दुआओं की अपील है, बस दुआएं करते रहा करें हमारे लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या हाल है, ठीक हो, तबीयत से ठीक है, अच्छा घर कहाँ है तुम्हारा, उधर पीछे, अच्छा इधर आ जाओ, इधर धूप है, इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, बस बस बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये मोबाइल किसके हैं दोनों, मेरे दादी के। अच्छा दादा के हैं और ये तेरा है, यस। सही है। गायें नहीं खाते हो तुम लोग, नहीं खाते, क्यों, हमारी पूजा होती है, हैं पूजा होती है, यस। और क्यों नहीं खाते वो, हमारी माता है, तुम्हारी माता है, तेज बोल तेज, हमारी माता है वो। और दूध पीते हो उसका, यस, दूध पीते हो, यस। अच्छा, और उसके जो बछड़े बछड़े होते हैं उनको भी नहीं काटते, नहीं काटते, खाते गोश्त नहीं खाते हो, नहीं। बेचते भी नहीं हो, बेच देते हैं, बेच देते हो कुर्बानी पे, सही है। एक गाय है,
चाचू की है। उसको निलाते मिलाते हो है? उसको साफ सुथरा रखते हो? यस। सही। और भगवान भी है? यस, हमारे भगवान है ये। तुम्हारा भगवान है? दूसरा भगवान नहीं, हनुमान वाला? हनुमान है सब। हनुमान कहाँ, घर पे? नहीं, ऊपर है। नहीं, घर पे रखा हुआ है जिसकी पूजा करते हो, जैसे ऐसे सामने रखते हैं फिर उसकी पूजा करते हैं, वो नहीं है? रखा है। कितना बड़ा है? मैं कह रहा हूँ कितना बड़ा है, इतना है कितना बड़ा है? छोटा सा है। सही। कितने भाई हो तुम लोग? तीन। तेरा नाम क्या है? आकाश। और तेरे दूसरे भाई का नाम? सागर। और तीसरे का? दूधन। और अब्बा का नाम क्या है? अब्बा का? अब्बा का रमेश। और दादा का नाम? सही। तो भाइयों, ये था हमारा प्यारा दोस्त हिंदू, और यहाँ बड़े अमन और सुकून से रह रहे हैं ये लोग। और आकाश नाम है इसका, आकाश नाम है ना? yes. और ये बता रहा था मेरे एक जुड़वा भाई है तुम्हारा एक, yes. उसका नाम क्या है? Okay. सागर। ये आकाश है और वो सागर है, ये दो जुड़वे भाई हैं, और इसी के दादा अबू जो है यहाँ हमारे बीच की छटाई करने के लिए आए हैं। और ये मैंने इसे ऐसे गपशप करी तो इसने बताया मैं हिंदू हूँ। मैंने कहा चल यार वीडियो में बता दे दूँ, तेरा भी हम इंट्रो करवा देते हैं यूट्यूब की दुनिया में, शायद तेरा बोलना अच्छा लगे, तेरे कहने पे कोई चैनल सब्सक्राइब कर दे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम अल्लाह हाफिज बोलते हैं, तुम कैसे बोलते हो? हम। हाँ हम। बताओ कैसे बोलते हो? हम बोलते हैं जब प्रणाम बोलते हो। यस। सही है भाई, इस भाई की तरफ से प्रणाम हो गया और हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।